चार साल बेमिसाल, नहीं आता लौट कर वक्त, बस संजोना पड़ता है आसमान तले हुई तरक्की को, तो बस पिरोना होता है। बस कुछ इन्हीं शब्दों के अर्थ की तरह है ये भव्य रूप से संपन्न कार्यक्रम। डॉक्टर उदित राज, माननीय सांसद, उत्तर पश्चिमी दिल्ली की एक अनूठी कोशिश, एक पहल बाधाओं को हटाने की और हर घर योजनाएं पहुंचाने की। वक्त चलता रहा, काले बादल छंटते गए और सफलता के रास्ते आसान होते गए। ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम सिर्फ एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि सफरनामा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की केंद्र सरकार और उससे जुड़े व्यक्तित्व डॉक्टर उदित राज का। ये कार्यक्रम सिर्फ चार साल बेमिसाल का नारा ही नहीं बल्कि एक पहल है लोगों को जागरूक करने की और जरिया है हर घर को सूचित करने का। आज के इस चार साल बेमिसाल के उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मनोज तिवारी जी, जिला अध्यक्ष नीलनमन खत्री जी, हमारे दोनों महासचिव जिला के रणधीर प्रधान जी और लोचन गुप्ता जी, रेखा जी, जैनंदर जी, नितिन जी, सुप्रीत जी है और बहुत सारे हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी मंच पर उपस्थित। आज का यह जो मंजर है, कार्यक्रम है, सरकार के जो कार्य हैं वो तो बेमिसाल हैं भी, लेकिन जिस तरह से हमारी टीम ने कार्य किया उसने भी बेमिसाल किया है। शायद ही ऐसा कार्यक्रम दिल्ली हाट में हुआ। आज का जो दिन है नॉर्थ वेस्ट के लिए दिया गया है कि नॉर्थ वेस्ट के लोगों की उपस्थिति प्रमुख रहेगी आज। कल का दिन है पूर्वांचलियों का, उनकी उपस्थिति प्रमुख रहेगी, और परसों का है आउटर जिले का, उनकी उपस्थिति प्रमुख रहेगी। जो भी लोग मेले में आ रहे हैं, फेस्टिवल में आ रहे हैं, खरीदारी करने जा रहे हैं या सूचना लेने जा रहे हैं, वो तमाम सहूलियतें और जो सुविधाएं हैं सरकार की वो यहाँ उपलब्ध कराई जा रही, चाहे मुद्रा लोन की बात हो, आधार की बात हो, LIC की बात हो, बैंक फैसिलिटीज की है, और एंटरप्रेन्योरशिप का है, हैंडीक्राफ्ट का है, टेक्सटाइल का है, उज्ज्वला का है, दर्जनों इस तरह के मंत्रालय यहाँ पर भाग ले रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही बेजोड़ और बेमिसाल है। कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है जहाँ पर हमने टच करने की कोशिश नहीं किया कि सरकार में जो भी है वो यहाँ पर दिखाया जाए, दर्शाया जाए, लोग इसे लाभान्वित हो। इसमें और कई स्टॉल लगे हुए हैं। बुद्धा एजुकेशन फाउंडेशन के तरफ से 6 तरह के पुरस्कार हम दे रहे हैं, और सोशल वर्क के लिए, दिव्यांगों के लिए, स्किल ट्रेनिंग के लिए, स्वच्छ भारत के लिए, वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, 6 तरह के हम स्पोर्ट्स के लिए, 7 तरह के हम अवार्ड 3 दिनों में देंगे। तो एक ये इंटरेक्शन का है, मिलकर आपस में बातचीत करने का है, और अपने जो पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, पार्टीज हैं, उनके बारे में चर्चा करना, इंटरेक्ट करना, मिलना जुलना, इससे एक बहुत ज़बरदस्त पूरे देश में मैसेज जा सकता है। जो प्रयास है हमारे टीम और हमारे लोगों के द्वारा, यह देश में पहले किस्म का पहला प्रयास होगा। कोशिश है
आम जन को केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने की और मुश्किलों को आसान करने की। शुरू से ही आरोप मुक्त सरकार पर आरोप लगते रहे। योजनाएं योजनाएं, लेकिन कहां हैं ये योजनाएं? ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम एक कोशिश कहिए या एक रास्ता है अपने सभी देशवासियों को सभी सरकारी योजनाओं से रूबरू करवाने का। चार साल बेमिसाल का कार्यक्रम 3 दिवस तक जारी रहा, जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग सीधे आमजन से रूबरू हुए और योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया तथा लोगों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। कार्यक्रम के प्रथम दिवस पर माननीय सांसद महोदय उदित राज के साथ श्री मनोज तिवारी जी ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए आम जन को 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम की उपयोगिता बताया और साथ ही कई सरकारी योजनाओं से वाकिफ कराया। उदित राज जी इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद हैं और नरेंद्र मोदी जी के रत्नों में से एक हैं। इससे आप लोगों को अंदाजा हो सकता है कि पार्टी की ऊर्जा कितनी है कि यह मन छोटा पड़ जा रहा है पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए। आप सभी को मैं मनोज तिवारी आपका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आपने समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब मैं अंदर आया तो मुझे एक ITI की दुकान पे जाने का मौका मिला, ITI की स्टॉल पे। उन्होंने मुझे एक दिखाया मशीन जिससे एक गांव में लगा दीजिए तो जहां भी लगा दीजिए 300 मीटर में वाईफाई शुरू हो जाता है, और बोले कि उसमें अगर एक छोटा सा मशीन और लगा दें तो वो लगभग 1 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। उसका उपयोग अपने द्वारा गोद लिए हुए गांव में करने वाला हूं, करूंगा अपने यहां। और जिस गांव में मैं पैदा हुआ उस गांव में भी करूंगा। अब मुझे इतना गर्व हो रहा था अपने इस मेक इन इंडिया का और नरेंद्र मोदी सरकार के इस विकास का, उदित राज जी के इस काम का, उसका मुझे अंदर अंदर गर्व हो रहा था। SBI PNB दोनों थे तो मैंने SBI के स्टॉल पे पूछा कितना टाइम लगता है मुद्रा लोन देने में, बोले 1 से 1.25 महीना। इसके लिए जरूरत क्या पड़ती है, बोले जो आधार कार्ड एड्रेस क्या, मतलब सारी जो जानकारी है उसमें टोटल करके उनको पैसा दे देने में मात्र 1.25 महीने का समय लगता है। तो जाके पैर न फटा बेवायु का जाने पीर पर आई, नरेंद्र मोदी के पैर में बेवाय फटी है, उसने गरीबी देखी है, उदित राज ने गरीबी देखी है, इसलिए इन लोगों को ये बात अच्छी तरह पता है कि विकास का क्या अर्थ है। और ये मेला 3 दिन रहेगा, इसके बाद हमारी लोकसभा में जाने वाला है। जितने आज कार्यक्रम होने वाले हैं उस कार्यक्रम के बीच में अगर आपको पता चले कि अब तक इस देश के 8 करोड़ घरों में नए शौचालय बनाए जा चुके हैं, 8 करोड़। अगर आपको पता चले कि इस देश के लगभग 14 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया जा चुका है। धन्य हो नरेंद्र मोदी जी, धन्य है हम सभी उनके सांसद, धन्य है पार्टी के कार्यकर्ता, धन्य है आप लोग, आपने नरेंद्र मोदी को बनाया और उन्होंने देश का ऐसा, ये जो मुद्रा लोन है इसका सालाना 6% इंटरेस्ट रेट है, मात्र 6% सालाना। संस्था
भी बड़ी हो, वो चाहे सीबीआई ही क्यों ना हो, अगर भ्रष्टाचार है तो नरेंद्र मोदी बर्दाश्त करने वाला नहीं है, उसमें भी न्याय होना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। विकास के रास्ते पे कदम बढ़ाना है, नरेंद्र मोदी को वापस देश का पीएम बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग खुश रहिए, नमस्कार, जय हिंद। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर उदित राज जी से कि वो सम्मान करें मिस्टर मनोज तिवारी जी का। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह का अनोखा कार्यक्रम किसी भी सांसद द्वारा पहले नहीं आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन श्री विजय गोयल, केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री, ने कार्यक्रम में शिरकत करके सभी स्टॉल्स का जायजा लेकर इस अनोखे एवं भव्य कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे जनता के लाभ के लिए एक बेमिसाल पहल बताया और कहा कि डॉक्टर उदित राज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम से हजारों लोग केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश संगठन महामंत्री माननीय सिद्धार्थन जी उपस्थित रहे। ठीक इसी तरह कार्यक्रम के तीसरे दिवस भी ये सिलसिला जारी रहा, जिसमें दिल्ली सरकार के नेता प्रतिपक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे और भारत के चार साल बेमिसाल का कार्यक्रम अपना उद्देश्य पूरा करते हुए आए सभी जननायकों की मौजूदगी में संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्टॉल्स और जन जन को सभी सरकारी योजनाओं से वाकिफ करवाने के लिए सरकारी संस्थाएं भी मौजूद रहीं। आधार कार्ड से संबंधित सूचना केंद्र एवं नए आधार कार्ड व आधार अपडेशन की सुविधा मुहैया कराई गई, जिसका हजारों लोगों ने लाभ उठाया। इसके अलावा बैंक सेवाओं के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, उज्ज्वला स्कीम के लिए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, LIC, ITI लिमिटेड, NCERT, ट्राइफेड, दिल्ली मेट्रो, हैंडीक्राफ्ट एवं SC/ST एवं महिला उद्यमियों आदि ने अपने अपने स्टॉल्स लगाकर लोगों को अपने अपने तरीके से लाभान्वित किया। मैं राजेश कम्बोज, पीतमपुरा निवासी। ये मेला उदित राज जी के सहयोग से लगा है, उन्होंने बहुत अच्छा ये कार्य किया है, तो यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। मेरा आधार का नंबर अपडेट नहीं था, वो हो गया बहुत ही आराम से, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। मेरा नाम शोभा है, मैं शकुरपुर जे ब्लॉक से आई हूँ और मैं अपना आधार कार्ड रिन्यू करवाने आई हूँ यहाँ पर। मेरा नाम महेश चंद है, मैं रीजनल ऑफिस दिल्ली से हूँ और हमारे यहाँ 3 दिन से कैंप लगा है आधार में अपडेशन के लिए, या न्यू बनवाना हो या अपडेशन, और मोबाइल नंबर अपडेट कराना हो। और यहाँ पर काफ़ी पब्लिक आ रही है करेक्शन कराने के लिए, बुजुर्ग आ रहे हैं, उनका आराम से काम किया जा रहा है, कोई परेशानी उनको नहीं हो रही है। मेरा नाम शिवाजी गुप्ता है और मैं सेक्टर 31 रोहिणी से आया हूँ। तो मैंने न्यूज़ NBT में ये न्यूज़ पढ़ा था कि यहाँ पे उदित राज जी के द्वारा जो है यहाँ पे एक फेयर लग रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री की कई स्कीम जो है योजनाएं हैं। तो ये हमारे कुछ यहाँ पे भाई साहब हैं जिन्होंने मुझे जानकारी दिया कि किस तरह से आप लोन ले सकते हैं, किस तरह से आप ये अपना रेस्टोरेंट का काम शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बताएं जिससे मुझे काफ़ी संतुष्टि मिली है और मैं कोशिश करूँगा कि ये और लोगों को बताऊँ और अपने काम को भी आगे बढ़ाऊँ। और मैं उदित राज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा सुविधा दिया यहाँ पर। मैं अनिल राजपाल, मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किंग्सवे कैंप से हूँ। ये हमने जो आज कैंप लगाया हुआ है, इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मुद्रा लोन के बहुत लोग आ रहे हैं, उसके अलावा हाउसिंग लोन और बाकी लोनों के लिए, एजुकेशन लोन के लिए बच्चे भी आए हैं और छोटे छोटे तबके के लोग आए हैं रिक्शा लेने के लिए। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अभी तक हमने पीछे मुद्रा लोन लगा के 100 से ऊपर रिक्शा लोन किए हैं, टैक्सी दिए हैं, कार दिए हैं, और यहाँ पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। काफी लोगों की एकजुट कोशिश से ये कार्यक्रम सफल रहा और साथ ही काफी लोगों ने इसमें शिरकत की, जिसके मुख्य आयोजक डॉक्टर उदित राज थे। केंद्र सरकारी योजनाओं एवं उपस्थितियों के अलावा कार्यक्रम के मुख्य बिंदु सांसद डॉक्टर उदित राज द्वारा उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के किए गए कार्य और उनके द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गोद लिए गए गाँव ज्योति और खामपुर के उत्पाद जैसे कपड़ा, मोमबत्तियां, पेंटिंग आदि रहे।
तीनों दिन सायंकाल सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम दिन प्रसिद्ध हास्य कवि श्री सुरेंद्र शर्मा, दूसरे दिन प्रसिद्ध पंजाबी गायक श्री सुरेंद्र सहानी द्वारा उपस्थित जनसमूह का उत्साह वर्धन किया गया। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में जन कल्याण हेतु विशेष सहयोग एवं सराहनीय कार्य करने वाली हस्तियों को डॉक्टर उदित राज सहित अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। डॉक्टर उदित राज जी ने कार्यक्रम के समापन के अवसर पर कहा कि ये कार्यक्रम तो अपने आप में बेमिसाल है, लेकिन मेरी टीम ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिस तरह से कार्य किया वो भी बेमिसाल रहा। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकार के सभी विभागों को धन्यवाद दिया और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के लोगों द्वारा भारी संख्या में भागीदारी करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की नींव बस यही सोचकर रखी गई थी कि सभी सरकारी योजनाओं की सूचना एवं उपलब्धियां जन जन तक पहुंच सकें। इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए कार्यक्रम को सफलता प्राप्त हुई और साथ ही सांसद महोदय ने इस कार्यक्रम की एकता में अखंडता और डिजिटाइजेशन जैसी चीजों का भी ध्यान रखते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया, जिसका उदाहरण कार्यक्रम की प्रस्तुतियों एवं आधुनिक तकनीक से लैस सभी स्टॉल्स में सभी सुविधाएं व जानकारियां हैं। मेरा नाम सिंटू कुमार है और मैं जिला आपदा प्रबंधन कंझावला दिल्ली 81 रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सीधा कोई भी ऐसा कोई आपदा आती है तो उसके लिए सीधा 100 नंबर पर कॉल करते हैं। उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि हमारे जिला आपदा प्रबंधन की तरफ से दिल्ली सरकार ने, भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर चालू किया है और जिसका है 1077। उस पे कोई भी कॉल नहीं करता, वो करते सीधा 100 नंबर पे। यदि अगर मान लीजिए फायर की कोई कॉल है और उसके लिए आप 100 नंबर पे कॉल कर रहे हैं तो 100 नंबर वाले फायर वालों को कॉल करेंगे, और फिर यदि कोई बिल्डिंग कलेप्स की कोई कॉल आती है तो उसके लिए ही वो 100 नंबर पे कॉल करते हैं, फिर वो दोबारा से बिल्डिंग कलेप्स के लिए MCD वालों को कॉल करेंगे। तो उसमें जो है कि टाइम बहुत ज़्यादा खींचता है। अगर यदि कोई कॉल आती है 1077 पे तो हम वहाँ पे किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है हम अपनी तरफ से अपने डिस्ट्रिक्ट में वो हेल्प करते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार यादव है, मैं पंजाब नेशनल बैंक में मार्केटिंग ऑफिसर हूँ। यहाँ पे इस मेले का आयोजन श्री उदित राज जी, जो यहाँ के माननीय MP हैं, उन्होंने कराया है। यहाँ पे बैंक ने जो स्टॉल लगाया है उसका पर्पज़ ये है कि लोगों को यहाँ की पंजाब नेशनल बैंक की और भारत सरकार की जितनी भी वित्तीय योजनाएँ हैं उनकी जानकारी लोगों तक पहुँचाना।
मैं करण हूँ और मैं क्या कहते हैं दिल्ली से हूँ और आज मैं दिल्ली हाट पीतमपुरा में आया हूँ। यहाँ पे मेला लगा था दिवाली मेला और यहाँ पे मैंने भांगड़ा परफॉर्म करा है और ऐसे मेले से क्या कहते हैं हम सबको एक नया स्टेज मिलता है जहाँ पे हम अपना कुछ दिखा सके, हम अपनी परफॉर्मेंस कर सके। मैं सीएल मौर्या पीए टू डॉक्टर उदित राज ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएँ हैं, कहा जाता रहा है कि उनको क्रियान्वित करने के लिए अभी जो PSUs हैं, जो बैंक्स हैं, जो सरकारी एजेंसियां हैं वो ठीक तरह से काम नहीं करती। ये पूरा सच नहीं है, बहुत मामलों में तमाम सारी कागजी कार्यवाहियां हैं जिनकी वजह से लोगों को परेशानी होती है, किसी के कागज़ों में कमी होती है, किसी का कुछ होता है। यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन सेंटर में उनको पूरी जानकारी दी है, उन लोगों ने पूरी जानकारी दी है कि किन किन चीज़ों की कैसे कैसे ज़रूरत है, उनकी ब्रांच में जाके कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे भी उनको सुविधाएँ दी गई। डॉक्टर उदित राज उत्तर पश्चिम लोकसभा का सांसद सदस्य, हमने यहाँ पर 4 साल बेमिसाल का कार्यक्रम 26, 27, 28 को पीतमपुरा दिल्ली में किया और ऐसा कार्यक्रम शायद कहीं हुआ हो। हजारों हजार की संख्या में लोग आते रहे और सरकार के लगभग हर विभाग के से संपर्क करके उनके द्वारा जो जनता को सेवाएं दी जाती हैं उनके स्टॉल लगाए गए, उनसे बड़ा फायदा लोगों को हुआ। आधार कार्ड हो चाहे मुद्रा लोन हो, हैंडीक्राफ्ट की जानकारी हो, एंटरप्रेन्योर की जानकारी हो, सब तरह के स्टॉल लगे। दिव्यांग के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है, सीनियर सिटीजन, वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप, उनको पुरस्कृत किया गया लगभग 100 लोगों को। जूरी ने उनका नाम तय किया और क्षेत्र के अपने कार्यकर्ताएं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आम लोग इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिए और मोदी जी की सरकार ने जो 4, 4.5 साल में कार्य किया है उस कार्य को की प्रस्तुति यहाँ पर बड़े विस्तार से हुई और लोगों को बड़ी जानकारियाँ मिली और लोगों की सूचना के हिसाब से या जिस तरह से उन्होंने कहा कि आज तक उन्होंने ऐसा कार्यक्रम जिंदगी में देखा ही नहीं था। ये दिल्ली हाट खचाखच भरा रहा तीनों दिन, जो कि कभी ऐसा हुआ नहीं। तो इस कार्यक्रम की सफलता बड़ी जबरदस्त रही है। 4 साल बेमिसाल।